तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज नंबर सेकंड का बाइनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देख लें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने यहां पे डिस्प्ले हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, आपको बताना है कि आपके पास अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 plus a raised to power m plus n, you have to prove that the coefficients of a raised to power m कोई टर्म है और a raised to power n दूसरी कोई टर्म है, उनके कोफिशिएंट्स इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालेंगे। तो जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आपको पता है जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास दी है यहां पे देख लें, a plus b raised to power n that's equal to what, दैट इज इक्वल टू यहां पे ये वाली जनरल टर्म उसकी दी हुई है tfr plus 170 नोट करते हैं ncr a raised to power n minus r b raised to power r। तो नाउ मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि ये जनरल ये जो एक x raised a raised to power m है ये r plus 1 टर्म r plus 1th टर्म जो है एक्सपेंशन किसकी, a plus 1 plus a raised to power m plus nth जो एक्सपेंशन इसकी r plus 1 टर्म में आ रहा है। तो फिर जनरल टर्म क्या आएगी, जनरल टर्म आएगी tfr plus 1 एंड दैट इज इक्वल टू m plus n बाइनोमियल एक्सपेंशन m plus n cfr 1 raised to power m plus n minus r a raised to power r। तो आप देख लें तो 1 का पावर कुछ भी हो तो एक्सपेंशन ये रह जाएगी m plus n cr a raised to power r। तो अब हम क्या करेंगे, a raised to power m का कोफिशिएंट a raised to power m का कोफिशिएंट और a raised to power r का पावर्स कंपेयर करेंगे दोनों में, तो आपका आपको मिलेगा r का पावर, किसका पावर मिलेगा आपको, मिल जाएगा किसको a raised to power m और a raised to power r को जब हम कंपेयर करोगे इक्वेशन में a raised to power m का वैल्यू और a raised to power r का वैल्यू कंपेयर किया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, r का वैल्यू m के बराबर है। तो on substituting the value of r, that's r on substituting the value of r is equal to m, we will get what, we will get the equation that is equal to what, that's equal to, we will get the equation that's equal to, हमारे पास जो equation मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, अब देख लें equation क्या मिलेगी, आपको equation मिलेगी यहाँ पे, आपको जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा m plus n c of m a raised to power m। तो अब आप कोफिशिएंट निकालें a raised to power m का कोफिशिएंट निकालें तो वो क्या है, वो है आपके पास ये वाली टर्म m plus n c of m। तो हम कोफिशिएंट निकालेंगे किसके बराबर है, तो कोफिशिएंट निकाल के देख लें कोफिशिएंट किसके बराबर आएगा, तो कोफिशिएंट आएगा हमारा तो m plus n c of m that is equal to m plus n factorial divided by m factorial into m plus n minus m factorial that is m plus n factorial divided by m factorial n factorial। तो अब हम assume करते हैं a raised to power n जो है वो आकर हो रहा है, वो आ रहा है किस में, तो वो आ रहा है हम assume करते हैं वो n term में आ रहा है, किस में आ रहा है वो a raised to power n जो है वो kth k plus 1 term में binomial expansion, इसी binomial expansion की kth plus 1 term में, तो kth plus 1 term इसकी निकालते हैं that is k of t of k of k plus 1 that is equal to m plus n c of k 1 raised to power m plus n minus k a raised to power k। तो आपकी इक्वेशन आएगी m plus n, आपकी इक्वेशन क्या आएगी, आपकी इक्वेशन आपके सामने मिलेगी m plus n c of k a raised to power k। तो अब a raised to power k का और a raised to power n का हम पावर कंपेयर करेंगे, तो जब कंपेयर करेंगे तो a k बराबर मिलेगा n के, तो पुट करो वापस यहां पे, वापस पुट करेंगे m k का पावर n तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा m plus n c of n a raised to power n। तो अब इसका a raised to power n का कोफिशिएंट निकालें तो कोफिशिएंट इज इक्वल टू m plus n c n। तो कोफिशिएंट निकालने के बाद हमारे पास सेकंड इक्वेशन में मिल रहा है कोफिशिएंट, तो हम देख लें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट्स जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं, तो दैट्स वही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाएं, 10th में क्वेश्चन है आपका, तो आपको दिया है r minus 1 term r plus 1 term एंड r term की आपको एक्सपेंशन में इसका कोफिशिएंट जो दिया है वो दिया है 1 3 और 5, तो आपको रेशियो दिया है, तो आपको बताना है fi n और r निकालना है। आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप
r माइनस वन टर्म निकालो, r टर्म निकालो और r प्लस वन टर्म निकालो। जब तीनों टर्म आपके पास मिल गई तो तीनों के कोफिशियंट निकालेंगे। तीनों के जब कोफिशियंट निकालेंगे, कोफिशियंट निकालने के बाद हम कोफिशियंट्स को डिवाइड करके देखेंगे कि पहले r माइनस वन डिवाइड बाई r का जो कोफिशियंट है 1/3, r डिवाइड बाई r प्लस वन का जो कोफिशियंट है 3/5 है। तो इनको सिम्प्लीफाई जब हम करेंगे तो आपके पास दो इक्वेशंस मिलेंगी। दो इक्वेशंस को सिम्प्लीफाई करके आपको r और r का वैल्यू मिलेगा या n का वैल्यू मिलेगा। फिर ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन वन ऑफ द इक्वेशन यू विल गेट द आंसर। तो मैं करके बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप मान लें कि आपके पास ये जो बायनॉमियल जनरल बायनॉमियल एक्सपेंशन है उसकी क्या टर्म निकाल रहे हैं, जनरल टर्म निकाल रहे हैं। तो जनरल टर्म को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे किससे, तो जनरल टर्म को यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं, सॉरी, तो जनरल टर्म को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे किससे, के प्लस वन से। तो के आपकी जनरल टर्म आ रही है तो आपकी जनरल टर्म आएगी एन सी के ए रेस्ट फॉर एन माइनस के बी रेस्ट फॉर के। तो अब हमारे पास जो है हमने निकाल ली है आर माइनस वन टर्म। आर माइनस वन टर्म जो है बायनॉमियल एक्सपेंशन है आपके पास एक्स प्लस वन रेस्ट फॉर एन, तो किसके बराबर आएगी, अगर आपका आर प्लस वन होता है तो देन आर है, तो आर भी होगा तो देन आर माइनस वन होगा, आर माइनस वन है तो देन आर प्लस वन होगा। ये आपकी समझ में नहीं आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं, तो देख ले यहाँ पे, अगर यहाँ पे अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस जगह की कि अगर यहाँ पे मेरे पास क्या होता था, आर प्लस वन होता था तो एन सी आर में आपका आर होता था। अगर यहाँ पे मैं आर रख दूँ खाली तो एन सी आर में आर माइनस वन हो जाएगा, अगर आर माइनस वन रखूँगा तो आर प्लस टू, आर माइनस टू हो जाएगा, सॉरी। तो यही बता रहा हूँ मैं, तो आपकी जो टर्म आएगी वो आएगी एन सी आर एक्स एन सी आर माइनस टू एक्स रेस्ट पावर एन माइनस आर माइनस टू वन माइनस वन रेस्ट पावर आर माइनस टू। तो एन सी आर माइनस टू एक्स रेस्ट पावर आर माइनस एन माइनस आर प्लस टू। तो ये फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट वाले की जनरल टर्म है। इसी तरह से सेकंड की निकालें तो आठ टर्म की निकालेंगे तो दैट इज़ एन सी आर, यहाँ पे दिया है एन सी आर माइनस वन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस आर प्लस वन। थर्ड वाले की निकालें तो एन सी आर एक्स रेस्ट पावर आर माइनस वन। तो अब यहाँ पे दिया गया है कि इनके जो कोफिशेंट्स हैं वो क्या है, पहली वाली का कोफिशेंट है एन सी आर माइनस टू, दूसरी वाली का कोफिशेंट है एन सी आर माइनस वन और तीसरी वाली का कोफिशेंट है एन सी आर। तो इनके कोफिशेंट्स को रेशियो में दिया है, किस रेशियो में, 1:3:5। तो अब हम मैं करूँगा एन सी आर माइनस वन, सॉरी एन सी आर माइनस टू डिवाइड बाई एन सी आर माइनस टू डिवाइड बाई एन सी आर माइनस वन दैट इज इक्वल टू 1/3 और एन सी आर माइनस वन डिवाइड बाई एन सी आर दैट इज इक्वल टू 3/5। तो ये आपके रेशियो दिए हैं। तो अब कैलकुलेट करते हैं हम एन सी आर माइनस टू डिवाइड बाई एन सी आर माइनस वन। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे एन सी आर माइनस टू डिवाइड बाई एन सी आर माइनस वन तो आपके पास आएगा एन सी आर माइनस टू किसके बराबर है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर माइनस टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस टू फैक्टोरियल। तो ये आपके पास जो नीचे वाली टर्म है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो एन फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा और नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो अब एन फैक्टोरियल कैंसर, आर फैक्टोरियल का आपको लिख सकते हो आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस टू फैक्टोरियल, सॉरी आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस वन इसी तरह से रखें, डिवाइड में जो एन माइनस आर आर माइनस टू फैक्टोरियल है उसके बाद वाली जो टर्म है एन माइनस आर प्लस टू को हम लिख सकते हैं एन माइनस आर प्लस टू इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ऊपर और नीचे से एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल गया, आर माइनस टू फैक्टोरियल गया, तो आपकी जो टर्म बच गई वो बच गई आर माइनस वन इन डिवाइड बाई एन माइनस आर प्लस टू। बट ये किसके बराबर है, ये बराबर है एन सी आर माइनस टू डिवाइड बाई एन सी आर माइनस वन। बट एन सी आर माइनस टू डिवाइड बाई एन सी आर माइनस वन किसके बराबर है, वो बराबर है 1/3 के। तो अब आर माइनस वन डिवाइड बाई एन माइनस आर प्लस टू किसके बराबर है, 1/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको इक्वेशन मिलेगी कौन सी एन, फिर उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 3r-3 दैट इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस टू। तो अब इसको टर्म्स को इधर उधर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक साइड ले जाते हैं टर्म्स तो एन माइनस फोर आर प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म। अब निकालते हैं एन सी आर माइनस वन का वैल्यू, तो एन सी आर माइनस वन का वैल्यू किसके बराबर है, तो एन सी आर माइनस वन का वैल्यू आपके पास किसके बराबर है, तो एन सी आर माइनस वन डिवाइड बाई एन सी आर का वैल्यू आपके पास बराबर, एन सी आर माइनस वन का वैल्यू बराबर है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर माइनस वन। तो आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बनेगा एन माइनस आर प्लस वन डिवाइड इन टू आर फैक्टोरियल माइनस वन फैक्टोरियल। और एन जो डिवाइड में टर्म है एन सी आर दैट वो ऊपर जाके जब इसको हम खोलने के बाद ये ऊपर रेसिप्रोकल में चली जाएगी, मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो आर फैक्टोरियल डिवाइड एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड आर एन फैक्टोरियल। तो इसको आंसर सिंपलीफाइंग दिस वी विल गेट ये किसके बराबर आएगी, आर डिवाइड बाई एन माइनस आर प्लस वन।
तो बट ये किसके बराबर है, ये बराबर है 3/5 के, तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी दूसरी इक्वेशन मिलेगी। अब इन दो इक्वेशन को सिम्प्लीफाई करेंगे, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से सिम्प्लीफाई करते हैं, तो आपको आर का वैल्यू मिलेगा। तो आर का वैल्यू मिलने के बाद आप पुट करो किसी भी एक इक्वेशन में, आपको एन का वैल्यू मिलेगा, तो दैट इज़ योर रिजल्ट। तो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, आपने बताना है प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इस का कोफिशिएंट बायनॉमियल एक्सपेंशन में वो जो है वो इज टू वो ट्वाइस है, इज ट्वाइस द उसी एक्स रेज टू पावर एन का कोफिशिएंट दूसरी बायनॉमियल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स का ट्वाइस है। तो देन हम फिर से जनरल टर्म निकालेंगे, जनरल टर्म हमें पता है किसके बराबर है, आर प्लस वन एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी रेज टू पावर आर। तो पहले वाली कि जनरल टर्म किसके बराबर आएगी, पहले वाले की जनरल टर्म बराबर आएगी टू एन सी आर, ठीक है, टू एन सी आर आगे आएगा आपका वन रेज टू पावर टू एन माइनस आर एक्स रेज टू पावर आर। एंड कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू पावर आर एंड एक्स रेज टू पावर एन, तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट दिस। तो आपके पास जनरल टर्म मिल गई, कंपेयर करें तो आपके पास मिलेगा एन इज इक्वल टू आर, जो आर और एक्स रेज पावर आर और एक्स रेज पावर एन का वैल्यू जब कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा कि हम एक्स रेज पावर एन ही को ढूंढ रहे हैं, तो ये एक्स रेज पावर आर के बराबर है यहाँ पे, तो आर का वैल्यू एन के बराबर है, तो एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एन का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे आपकी इक्वेशन मिलेगी टू एन सी एन एक्स रेज पावर एन। तो एक्स रेज पावर एन का कोफिशिएंट क्या है, वो है आपका टू एन सी एन, तो कोफिशिएंट को निकाल लें तो कोफिशिएंट आएगा टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू एन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, तो आपका आ रहा है टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, दैट इज टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। अब हम अज्यूम करते हैं कि जो सेकंड बायनॉमियल एक्सपेंशन है वन प्लस एक्स रेज टू पावर टू एन माइनस वन, इसमें एक्स जो एक्स रेज टू पावर एन है वो आकर हो रहा है, वो आ रहा है कहाँ पे, के प्लस वन टर्म है, तो के प्लस वन टर्म निकालते हैं वो किसके बराबर है, टी एफ के प्लस वन दैट इज इक्वल एन माइनस टू एन माइनस वन फैक्टोरियल टू एन माइनस वन सी के वन रेज टू पावर टू के माइनस वन माइनस के एक्स रेज पावर के, तो ये आएगा टू एन माइनस वन सी के एक्स रेज पावर के, तो ये एक्स रेज पावर एन टर्म आ रही है यहाँ पे, तो एक्स रेज पावर एन का कोफिशिएंट इसके एक्स रेज पावर के कोफिशिएंट के साथ हम कंपेयर करेंगे तो के एन के बराबर मिलेगा, के का एन का वैल्यू के का वैल्यू यहाँ पे एन पुट करेंगे तो मिलेगा टू एन माइनस वन सी एन एक्स रेज टू पावर एन, तो टू एक्स रेज पावर एन का कोफिशिएंट निकालें तो मिलेगा टू एन माइनस वन सी एन। तो अब इसको निकाल लें, टू एन माइनस वन सी एन किसके बराबर है, तो वो अब कंप्यूट करें टू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू एन माइनस वन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, तो मिलेगा टू एन माइनस वन, टू एन में से एन निकलेगा तो एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन फैक्टोरियल। अब ऊपर और नीचे टू एन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो टू और एन जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर बन जाएगा टू एन इंटू एन टू एन माइनस वन फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू टू एन फैक्टोरियल, और टू एन नीचे जो टू है वो बाहर रखें, एन को एन माइनस वन फैक्टोरियल के साथ मिलाएं, एन को एन माइनस वन फैक्टोरियल के साथ मिलाएंगे तो बनेगा एन फैक्टोरियल, और एक एन फैक्टोरियल खुद का है तो बन गया स्क्वायर, तो ये किसके बराबर है, वन बाई टू बाहर आ गया टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, तो ये आपको पता है ये बराबर है टू एन डिवाइड बाई टू एन टू सॉरी टू एन सी एन, तो आपको पता चल गया यहाँ से टू एन माइनस वन सी एन जो है वो हाफ है किसका, टू एन सी एन के, तो यही आपको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट इज आपको क्वेश्चन बता रहा है फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम, हमने पॉजिटिव वैल्यू निकालना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं निकालना है, तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर बायनॉमियल एक्सपेंशन में जो है उसका कोफिशिएंट कितना है, वो सिक्स है, तो हम कोफिशिएंट निकालेंगे, हम जनरल टर्म निकालेंगे, पहले जनरल टर्म बायनॉमियल एक्सपेंशन ए प्लस बी रेस्ट फॉर एन की क्या है, एन जे एन सी एन एक्स ए रेस्ट फॉर एन एन माइनस आर बी रेस्ट फॉर आर, सॉरी एन सी आर ए रेस्ट फॉर एन माइनस आर बी रेस्ट फॉर आर। तो आप क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे ये जो जनरल टर्म है ये इस बायनॉमियल एक्सपेंशन में आ रही है आर प्लस वन टर्म, तो टी एफ आर प्लस वन टर्म जो है ये जनरल टर्म आ रही है, एक्स स्क्वायर टर्म इसी में आ रही है, तो इसी जगह पे आ रही है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं, तो एम सी आर वैल्यू कैलकुलेट करें, एम सी आर वन रेज टू पावर एम माइनस आर एक्स रेज टू पावर आर दैट इज इक्वल टू एम सी आर एक्स रेज टू पावर आर, तो कंपेयर करें एक्स स्क्वायर का पावर और यहाँ पे एक्स का जो भी पावर है, तो हमें मिलेगा आर का पावर टू है, तो टू पुट करें आर की जगह तो हमको मिलेगा एम सी टू एक्स रेज टू पावर टू, तो एक्स रेज टू पावर टू का कोफिशिएंट निकालें तो वह एम सी टू, तो लेकिन यहाँ पे दिया है कि एम सी टू किसके बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो टू है, वो सिक्स है सॉरी, तो एम सी टू सिक्स के बराबर है, एम सी टू सिक्स के बराबर है, अब हम एम का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो अब एम सी टू जो है वो बराबर होता है किसके,
वो सॉरी वो बराबर होता है m फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू m माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 6. तो m फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं m इनटू m माइनस 1 m माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इनटू 1 2 फैक्टोरियल होता है 2 इनटू 1 और m माइनस 2 फैक्टोरियल नीचे और ऊपर से m माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल नीचे बच गया 2 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12. तो m इनटू m माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 12 आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. सिंपलीफाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपके दो वैल्यू आएंगे m इज इक्वल टू 4 m इज इक्वल टू माइनस 3. तो क्वेश्चन में बताया कि हमने पॉजिटिव वैल्यू लेना है, हमने नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है. तो दिस कंप्लीट your exercise number 2. I hope you will get all the things. अगर फिर भी आपको कहीं पे समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मुझे ये भी बताएं कि हम नेक्स्ट चैप्टर कौन पढ़ेंगे. तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय. अभी रोज़ा खोलने का टाइम आ चुका है तो मुझे मेरे लिए रोज़े में दुआ करना. बाकी वसलाम.